बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे रोटी पराठा, बहुत जो क्रिस्पी सा बनता है वो कैसे बनता है। आम गंदम, कोई और आटा नहीं है, गंदम का ये आटा है, गूंदा हुआ, उसका पेड़ा एक ले लिया है और ये मैदा है। खुशके के तौर पे हम इसमें मैदा इस्तेमाल करेंगे और हम पराठा बनाएंगे चकोर। चकोर पराठा बना के आपको क्रिस्पी चकोर पराठा दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने पेड़ा किया है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें कुछ नहीं है। ये हमने इसमें डिप कर लिया है, ये देखें इसकी कोडिंग हो रही है। जैसे जिंगर होता है उसी की तरह का इसमें से आपको जायका आएगा। गंदम की ये रोटी है, पेड़ा हमने जो किया है वो गंदम का है और खुश का साथ हमने लिया है मैदे का। ये देखिए, अब हमने इसको बिल्कुल गोल बना लेना है, बहुत ही क्रिस्पी और चकोर पराठा बनेगा आपका। ये देखें, कोडिंग भी इसकी वही की है, हमने इसके अंदर भी वही लगाया है। ये गौर से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये पराठा बनेगा आपका। इसको आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है देख के। ये हमने घी लिया है, अब इसके ऊपर घी की कोटिंग कर दी हमने। अगर आपके पास ऑयल है आप ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोई भी घी है कोई मसला नहीं है। पराठे के लिए ऑयल घी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर फिर एक दफा कोटिंग करनी है, बहुत क्रिस्पी ये बनेगा। इसको आप पराठे को चाय के साथ, अचार के साथ खाएं, बहुत लजीज लगेगा आपको। वैसे अगर नहीं, सालन के साथ खाएं, वैसे शौक से ऐसे पराठे जो क्रिस्पी होते हैं चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये हमने इसके ऊपर फिर घी किया है, फिर कोटिंग, और ये इधर इस साइड पे इसको फिर फोल्ड कर देना है। जितनी साइडें इसकी फोल्ड करनी है उनमें सब में आपने घी भी लगाना है, कोडिंग भी करनी है। ये साइड हमने इसके ऊपर अब रख देनी है, इसको भी घी लगा देना है। इसको भी हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा चकोर पराठे का पेड़ा बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप में है, जैसे बाजार से कोई बाकर खानी वगैरह बच्चे ला के खाते हैं, इस शेप में होती है। ठीक हो गया, ये बहुत क्रिस्पी आपका पराठा बनेगा, अब जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये देखिए, जिस जिस शेप में है उसी उसी शेप के साथ आपने इसको
करना है। चारों कोने इसके बिल्कुल बराबर होंगे। बहुत ही आसान से ये रेसिपी है। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप सेम इसी तरह की कोडिंग गंदम वाले आटे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो जायका मज़ा मैदे वाले के साथ है पराठे का, वो बहुत ज़्यादा लजीज बन जाता है और इतना क्रिस्पी होता है कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। पंजाब में तो बहुत से लोग माशाल्लाह अचार और चाय के साथ पराठे को बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है, इसको हीट लग गई है, अब हम इसको पलट देंगे। अजान भी हमारी हो रही है और पराठे की भी तैयारी हो रही है। नमाज पढ़िएगा आप सब लोग भी, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं। अल्लाह ताला आपके रिज़क में बरकत दे। ये देखें ये आपको फूलता फूलता महसूस हो रहा होगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी सा बना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है, इंतहाई क्रिस्पी है ये। आप जरूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा क्रिस्पी सा पराठा बना है। आप इसे सालन के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, बहुत मज़े का है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।